नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 55 इंच क्यू एलईडी की अनबॉक्सिंग, वो भी सबसे चीपेस्ट। यह है मोटरोला का क्यू एलईडी टीवी। इसकी एमआरपी की बात करें तो मैं आपको ये लेवल दिखाना चाहता हूँ। एमआरपी में बात करें तो 63,990 रुपीज की इसकी एमआरपी है। जून 2023 का माल है, ऐसा नहीं हमारे पास पुराना माल आता है, जून 2023 लेटेस्ट मॉडल है। और मोटरोला का है, ओरिजिनल पीस है, ये कोई डुप्लीकेट वगैरह कुछ भी नहीं है, क्यू एलईडी है, मोटरोला का ओरिजिनल है। 1 ईयर की फुल वारंटी आती है। 2 GB की इसमें रैम आती है, 16 GB की इसमें इंटरनल मेमोरी आती है। क्वाड कोर प्रोसेसर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ ही मेंशन है। ड्यूअल बैंड वाईफाई एंड क्रोम कास्ट बिल्ट इन। मोटरोला का ये टीवी है, 55 इंच इसका साइज है। फिलहाल इसका बॉक्स ऐसा दिखता है, सेकेंड स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये अंदर से कैसा दिखता है, कैसे इसकी फंक्शंस है, कैसा इसका रिमोट है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसी ये अंदर से दिखती है। सबसे पहले देख लें कि बॉक्स के अंदर क्या क्या निकला है। एक तो इसके साथ रिमोट आता है जो कि गूगल असिस्टेंट के साथ आता है। वॉल माउंट है इसके अंदर, 50 इंची 55 इंची दोनों में कंपेटिबल है। 2 इसके टेबल टॉप स्टैंड है, 1 यूजर मैनुअल है और 1 केबल है। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इसकी क्वालिटी। सबसे पहले मैं बता दूँ इसमें 20 वॉट के स्पीकर्स लगे हुए हैं। ज्यादा मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा, कॉपीराइट का इश्यू रहेगा, इसलिए ये इसकी क्वालिटी थी। ऐसी अगर आपको और क्वालिटी देखनी है तो मैं अपने इंस्टा पेज पे अपलोड कर दूंगा। यूट्यूब पे मैं ज्यादा इसकी क्वालिटी नहीं डाल सकता हूँ। पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि TCL के कंपैरिजन में अच्छी है। TCL का QLED टीवी इससे फार बेटर है, बट QLED टीवी इतने चीपेस्ट रेंज के अंदर आ ही नहीं सकता। इस वजह से ये मोटरोला का टीवी बहुत ही अच्छा एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि 32,000 रुपए के अंदर आपको इतना बढ़िया प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। हम 50,000 वाले टीवी से इसको कंपेयर नहीं कर सकते, बट QLED इसमें टेक्नोलॉजी दे रखी है, तो इसलिए इसकी क्वालिटी 4K टीवी से तो ज्यादा अच्छी है। प्राइस रेंज इसकी मैंने आपको बताया था 37,000 ऑनलाइन आ रही है, 37,3500 ऐसे चलती रहती है फ्लिपकार्ट पे। डिजिटल और जयपुर पे मात्र 32,000 रुपीज का ये है, लेकिन लिमिटेड स्टॉक के लिए आता है, हमेशा नहीं मिल सकता। और मैं फ्लिपकार्ट का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको वहां से खरीदना हो आप वहां से भी खरीद सकते हैं। जयपुर के बाहर रहते हैं तो, जयपुर में रहते हैं तो डिजिटल हम पे आ सकते हैं। 20 वॉट का इसमें स्पीकर लगा हुआ है। इसके बेजल्स देख सकते हैं आप, पूरा फ्रेमलेस टीवी है, बस नीचे एकदम पतली सी बेजल दे रखी है जिसमें बीचों बीच मोटरोला लिखा हुआ है, और वो काफी नीट एंड क्लीन लुक देता है, काफी बढ़िया लग रहा है। IPS पैनल है इसके अंदर, और 3840 × 2160 इसका 4K डिस्प्ले है। 60 हर्ट्ज की इसकी रिफ्रेश रेट है, 350 यूनिट की इसकी ब्राइटनेस है। रैम रोम का मैंने आपको बता ही दिया था कि 2 GB 16 GB इसके अंदर इंटरनल मेमोरी आती है। और फीचर्स की अगर अपन बात करें तो ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए मैंने, ऐसा कुछ इसका लेआउट दिखता है। गूगल, सबसे मेन बात, गूगल टीवी है ये। इसके जो पहले के मॉडल्स आ रहे थे वो एंड्रॉयड टीवी आ रहे थे, जो अभी लेटेस्ट आया है वर्जन गूगल टीवी वो इसके अंदर दिया गया है। इसका गूगल टीवी का कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, ये मैंने मेरे वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है। एप्स में देखा जाए तो आप YouTube, Netflix, Amazon Prime जो भी आप डाउनलोड करना चाहो सारे डाउनलोड कर सकते हो। रिमोट आपको कनेक्ट करना है तो शुरुआत में ही आ जाता है, अगर फिर भी डिसकनेक्ट हो जाता है तो रिमोट एंड एसेसरीज पे क्लिक करके आप ब्लूटूथ पे जाके कनेक्ट कर सकते हो। अभी ये कनेक्टेड है, देखो दिखा रहा है। रिमोट के अंदर क्या क्या दिया गया है स्मार्ट कीज के अंदर, Netflix, YouTube, Prime Video, ये कौन सा है मुझे भी नहीं पता है। ये होम का बटन है और ये वाला है गूगल असिस्टेंट का बटन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। इसके अंदर मैं आपको QLED दिखाना चाहता था मोटरोला की, मुझे ये फेयर डील लग रही है 32,000 में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। अगर अपन 32,000 को देख के इसकी क्वालिटी जज करें तो ये बहुत ही बढ़िया टीवी है, और नॉर्मल QLED को देख के इसकी क्वालिटी जज करें, जैसे 50,000 रुपए का QLED आता ही आता है। अगर आप TCL किसी भी ब्रांड में जाओ, सबसे सस्ता TCL का ही मानता था मैं, उसमें भी 50,000 का आ रहा है, बट ये 55 इंच ओनली 32,000 का है, तो ये वैल्यू फॉर मनी डील है, ये लेना ही लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले, डिजिटल अब जयपुर करके मेरा इंस्टाग्राम चैनल है उसको फॉलो कर ले। और ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो कमेंट में लिखें,
जो भी आपको प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।